वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जट सूस। फॉर मोर इंफॉर्मेशन चेक द डिस्क्रिप्शन। हेलो फ्रेंड, आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं। ये जो आपका शूज़ है वो है पूमा कंफर्ट बेटा रनिंग स्नीकर्स। जो आप ये शूज़ देख रहे हैं, इसका आप सोल की बात हम करते हैं तो सोल इसका ये रबर का है, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा जूम करके। ये ब्रांडेड पूमा का शूज़ है। इसका जो वेट की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा टोटल वेट है इसके 500 ग्राम्स वेट है इसका। अगर हम लॉन्चिंग की बात करते हैं इसकी, तो ये लॉन्च हुआ था 22 जनवरी सन 2021 को। अगर हम इसकी आइटम्स की बात करते हैं कि मॉडल क्या है इसका, 2021 का मॉडल है इसका। और ये मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट्स हुआ था, ये पूमा स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से मैन्युफैक्चर हुआ था। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट वेब पे कि इसकी आज तक की क्या है? इसकी व्यूअरशिप या रेटिंग रही है, तो इसकी रेटिंग रही है 10 out of 7.5 और 8, ये इसकी रेटिंग रही है। तो बहुत ही अच्छा शूज़ है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं फिट प्लस में आता है। ये पूमा फिट प्लस का शूज़ है जो स्नीकर्स में आता है। अगर आज हम बात करते हैं इसके सोल की, तो जो मैंने बता दिया है पहले ही कि रबर है, लेकिन इसके सोल में और जो प्रीवियस दिखाया था उसके सोल में डिफरेंस यही है कि वो सोल जो था इसके कंपेरिजन में वो सोल एक स्ट्रिप था और ये स्ट्रैप में नहीं है। तो इस वजह से उसका सोल ज़्यादा कंफर्ट था इसके हिसाब से, जो मैंने प्रीवियस लॉन्च किया था वीडियो। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बताते हैं, हालांकि वो भी एक अपनी जगह पर बहुत बढ़िया और ये भी अपनी जगह पर बढ़िया है, लेकिन इसमें सोल के लिए थोड़ा सा इसका अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसका सोल थोड़ा सा कम्फर्ट नहीं है। और इसके थोड़ा सा ये जो बनावट है ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये सोल जो है चपटा हुआ सा, उठा हुआ सा नहीं है, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं है। अच्छा, इसके नेम की बात करेंगे तो मैंने बता दिया जिस तरीके से ये लोअर मटेरियल जो लगा हुआ है, ये भी आपका रबर लगा हुआ है, ये वाला ये रबर लगा हुआ है। और अगर इसकी हम बात करते हैं अपर मटेरियल की इसकी, तो ये मैश का बना हुआ है। ये किसका? मैश का। और ये भी आपका मैश लगा हुआ है ये रहा। अगर हम आपके इसकी बात करते हैं, ये जो पैर डालते हैं यहाँ पे मुँह से, तो यहाँ पे हमारा इसमें रबर बैंड नहीं है, और जो दूसरा हमने दिखाया था उसमें रबर बैंड था। हाँ, लेकिन इसमें और उसमें एक चीज़ सेम है कि ये भी और वो भी मैन्युफैक्चर वारंटी के हिसाब से, ये 90 डेज़ की वारंटी के हिसाब से इज बैड गुड, और वो भी था, वो भी बहुत अच्छा था 90 डेज़ की वारंटी के हिसाब से। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैस का है ये, और 90 डेज़ की वारंटी भी है। और कलर की बात करें तो कलर इसमें 3 और 4 और भी अवेलेबल्स हैं, लेकिन हम इसे रिव्यू दे रहे हैं तो इस वजह से हम पर्टिकुलर एक ही चीज़ का रिव्यू दे पा रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, जब आप लिंक पर जाएँ और चेक कीजिए हमारी लिंक पे, चेक करने के बाद में आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। आप देख करके फिर पूरा डिसाइड करके तब उसके बाद में देखिए, क्योंकि इसमें और भी कलर हैं, 3-4 कलर और हैं, शायद आपको वो पसंद आ जाए, ये पसंद ना आए, तो इस वजह से आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए करना, जिससे कि पूरा तरीके से हाँ कि ये नहीं वो चाहिए। तो इस पे पर्टिकुलर ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें से और भी आपको दिखा देता हूँ जो आपके यूज़ में आ जाए, ठीक है। एक इसमें इसका सामने से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो सामने से ये ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप, ठीक है, अच्छा है, कोई ख़राबी नहीं है। बस इसको सोल को लेकर के थोड़ी सी कॉशन थे, देखिए यहाँ पे और इधर में थोड़ा पचका सा, थोड़ा उठा हुआ सा लग रहा है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो थोड़ा सा दब गया है इधर में, तो वो ठीक है। इसका बैक दिखाते हैं थोड़ा सा आज हम आपको, देखिए बैक तो इसका बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सील टाइप में लगा हुआ है ये आपका मैश का, ये सील ये लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। बैक का तो ठीक है, जिस तरीके से देखिए ये ठीक है, ये जो है पूरा ही रबर का, यहाँ से वहाँ तक ही रबर का, लेकिन इसके कंपेरिजन में उसका अच्छा था। एक और बात मैं बता दूँ कि ये EMI पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो EMI पे भी बाई कर सकते हो। और इससे अच्छी बात ये एक और है कि अभी ये 60% के ऑफ पे चल रहा है, जिसको हम ख़रीदने वाले थे लगभग जा कर के 4 to 5 थाउजेंड के करीब में, 4000 to 5000, ये अभी 1800 के अप्रोक्स में है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सोल, सोल ये है,
ठीक है, सोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एक ही सोल है तो ये सोल में है। ठीक है, हम चलते हैं, आप टॉप व्यू से दिखा देते हैं, टॉप व्यू से ऐसा लगता है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया शूज़ है ये, आपको अदर साइज से है, और इसके दो शूज़ ये हैं, ये बहुत अच्छा शूज़ है, मेरे तो यही चॉइस रहेगा कि इज़ द वेल एंड गुड शूज़, तो इस वजह से ये शूज़ बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए अगर इसका बनता है तो वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू सो मच। Subscribe my YouTube channel with bell press icon.